भारत माता की। अरे क्या होगा भाई, सीमावर्ती जिलों के लोगों को ऐसी आवाज होगी क्या? लालू के पेट में दर्द समझ आ रहा है, आपका जोश कहाँ गया भाई? आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और पहले से ही उनका यह दौरा प्रस्तावित था, 2 दिन का दौरा है और आज एक रैली को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान अभी आपने देखा अपने टीवी स्क्रीन पर, ये उसी वक्त की बिल्कुल शुरुआती एक क्लिप मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से वो लोगों को शुरू में जिस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है बहुत ही ठंडा सा रेस्पॉन्स। हजारों की संख्या जरूर दिखाई दे रही है ग्राउंड के अंदर, लेकिन जो रेस्पॉन्स दिख रहा है लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा। जोड़ने की कोशिश अमित शाह के जरिए की जा रही है, लोगों को यह कहा जा रहा है कि जुड़ें, जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दें, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो हाथ उठा करके कुछ रिस्पॉन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ठंडा ये रिस्पॉन्स देखने को मिला, जिससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह भीड़ किस तरह से जुटाई गई है, किस तरह से भाड़ की भीड़ के अक्सर वीडियोज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग रैलियों से सामने आते हैं। कई बार जब भाड़े पर लाया जाता है उनको पेमेंट नहीं दी जाती, उनको खाना नहीं खिलाया जाता, उनसे जो वादा किया जाता है कि बस में बैठ जाइए आपको फला फला चीज़ दी जाएगी, नहीं दी जाती, तो उसके बाद लोग अपनी शिकायत करते हुए कई बार मीडिया के सामने भी आते हैं। तो तकरीबन इसी तरह का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें वो बिहार के जंगल राज की बात करते हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे यह कहलवाना चाह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, आप बताइए कि है या नहीं, उसमें भी किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है वो भी आप देख लीजिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? पीछे जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? तो देखा आपने दोनों ही वीडियो में जिस तरह का रेस्पॉन्स अमित शाह को इस रैली में नजर आया, उससे अमित शाह को बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि जिस मुद्दे पर वो बिहार में लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अभी से ही वहां पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है और लोकसभा की जितनी सीटें हैं वो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वो लूज करे। एक बड़ा राज्य है और अगर वहां पर लूज करती है तो बड़ी फिक्र की बात होगी सरकार बनाने में 2024 में, और इसी वजह से अभी से वहां पर तैयारियां शुरू की गई हैं और उसी के चलते ये 2 दिन का दौरा अमित शाह का बिहार में है। लेकिन अमित शाह अपनी स्पीच में जिस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए, लालू प्रसाद यादव को वार्निंग देते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को डसा है, इसलिए आपको होशियार रहने की जरूरत है और आपको भी डसा जा सकता है, ये बात कहते हुए साफ तौर पर नजर आए। उसके साथ ही जंगल राज की बात करते हुए नजर आए, उसके साथ ही पैकेज गिनाया गया। आपको याद होगा कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में एक रैली में पहुंचे थे तो उन्होंने 125,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था बिहार के लिए। उस पैकेज के बारे में नीतीश कुमार ने जब सरकार से समर्थन छोड़ा, जब बीजेपी से और उसके बाद तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि जिस तरह से 125,000 करोड़ का वादा किया गया था कुछ भी नहीं दिया गया बिहार को, तो महज ढकोसले हैं, महज वादे हैं। अमित शाह ने 1.5 लाख से ज्यादा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने अमाउंट गिना दिया कि किस किस स्कीम में कितना कितना पैसा बिहार को दिया गया है, और उसके ऊपर बात फिर आरोप लगाए गए नीतीश कुमार के ऊपर कि इन्होंने पैसा तो ले लिया लेकिन काम नहीं कराया। अब सवाल ये खड़ा होता है, अक्सर इस तरह की चीजें पब्लिक रैली में, खासतौर से इलेक्शन रैली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए, खासतौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जरिए कुछ ऐसे आंकड़े बताए जाते हैं जिनको लेकर के सवालात खड़े होते हैं, और उसके बाद ये कहा जाता है, जब उसका बाकायदा उसका मुवाजना किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो सारे दावे खोखले साबित होते हैं और ये निकल करके सामने आता है कि जबरदस्ती के ये आंकड़े आवाम के सामने रखे गए ताकि वोट को हासिल किया जा सके। कुछ इस तरह के आंकड़े अमित शाह आज इस रैली में गिनाते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात, करप्शन के ऊपर बात करते हुए नजर आए।
जंगल राज के ऊपर बात करते हुए नजर आए। सिर्फ एक महीना ही अभी हुआ है, उससे पहले बिहार बिल्कुल ठीक था, मीडिया की नज़र में भी और भारतीय जनता पार्टी की नज़र में भी कितना ही क्राइम हो रहा हो, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का जंगल राज नहीं था। लेकिन जैसे ही नीतीश ने बीजेपी से हाथ खींचा, आरजेडी के साथ जाकर के सरकार बनाई, तो वहाँ पर मीडिया को भी जंगल राज नज़र आ गया और भारतीय जनता पार्टी को भी इसी तरह की चीज़ें आज अमित शाह अपनी रैली में कहते हुए नज़र आए। एक और महत्वपूर्ण बात उनके ज़रिए कही गई, जिसको दूसरी तरफ से भी देखा जा रहा है विपक्ष उसको लेकर के, खास तौर से नीतीश कुमार उनकी पार्टी और तेजस्वी ने भी उसको लेकर के कई सवालात खड़े किए हैं। जिस तरह से ये कहा गया कि बिहार जो है वो कर्म भूमि है और बिहार में हमेशा आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले शुरुआत बिहार से शुरू हुई और इस इलेक्शन की शुरुआत भी हम, बदलाव की शुरुआत भी हम बिहार से करेंगे। इसको दूसरी तरफ से विपक्ष देख रहा है कि केंद्र के विपक्ष की अगर बात करें, लेकिन अगर बिहार की बात करें, बिहार में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं दोनों जेडीयू आरजेडी, इनके नेता इस पूरे मामले को ये कह रहे हैं। जाहिर सी बात है अमित शाह ने बिल्कुल सही बात करी है और बिहार से ही बदलाव शुरू होगा और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती बिहार से ही शुरू होगी। 2024 हराने के लिए बिहार काफ़ी है, इस तरह की चीज़ें तेजस्वी के जरिए भी कही गई। जिस तरह से आरोप लगाए गए नीतीश कुमार के ऊपर, उस पर भी तेजस्वी का बयान सामने आया है और आज आप शाम तमाम चैनल्स पर इस तरह के डिस्कशन देख रहे होंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर मीडिया पर लोग अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें पेश कर रहे हैं। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। माताओं भाइयों बहनों मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए?